Good morning, class. Now, student, welcome to the science online class. This is Shui Singh, your maths and also your science teacher. Okay, student. So today, I am going to discuss about the new chapter. Okay, that is the parts of a plant. Okay, the new chapter, chapter 7. And previously, I have completed all the question answers and exercises of chapter 6. Okay, now in this class, we will start the new chapter, chapter 7, and it is given on page 63. Page 63. Okay, student. Now, parts of a plant. हम लोग आज plants की जितने parts होते हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे. Okay? Now see. First, I am reading the book and you have to listen it very carefully. Okay, आपको very carefully listen सुनना है. Now listen it very carefully. I am reading the book, chapter 7, parts of a plant. Now Sumit saw that his mother was pruning the plant. वो उसकी mother plants को prune कर रही है. She was also sowing some seeds in pots. He asked her why she was doing so. Her mother replied that when a seed gets proper air, water and sunlight, it grows into a tiny seedlings. Okay? जो उसकी mother जो है एक pot में seed को डाला है. Okay, student? Okay? Now, उसने कहा कि उसकी mother ने एक pot में seed डाला. Okay? और seed में एयर वाटर एंड सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हुआ, सीड जो है वो सीडलिंग में ग्रो गया. मतलब छोटा सा सीड है उसमें से छोटे से प्लांट ग्रो होने लगे, सीडलिंग उसे कहते हैं. ठीक है. नाउ एज अ बेबी ग्रो टू बिकम अ चाइल्ड, अ सीडलिंग ग्रो टू बिकम अ स्मॉल प्लांट विच लेटर डेवलप्ड इनटू अ ट्रीज. ओके. नाउ सी ऑल्सो टोल्ड दैट प्लांट्स लाइक एनिमल्स हैव डिफरेंट पार्ट्स दैट need to be pruned for their proper growth and development. Okay, student, now come to the page number 64. Okay, now parts of a plant. Aaj hum log parts of plant padhenge. Now see here, plants have different parts to do different work. If you observe a plant, you will see that it has two main parts, one growing above the soil and other growing below the soil. The parts of plant that grows above the soil is called the stem or shoot, and the parts that grow below the soil is called the root. The stem or shoot bears branches, leaves, buds, flowers and fruits. Each of the plant carries a specific function. Now let's see the diagram of parts of a plant. Okay. This side, ये जो प्लांट का क्या है इस साइड में बेटा, इट इज द रूट. ओके, इट इज द रूट्स. ये प्लांट की रूट्स है. ओके. एंड हियर अबव इट इज द स्टेम, इट इज द फ्लावर. ओके. Then this side, leaves, one, bud, okay, small leaves, hair leaves, then fruit. Okay, ये सब fruits हैं. फिर leaves. Okay, student, ये सब leaves हैं. Again flower. ठीक है, ये सब plants के parts हैं. So आप ये देखिएगा कि it is what? Soil.
ये जो पार्ट है ये क्या है आपका सॉइल है। ओके सॉइल, सॉइल के जो नीचे बिलो वाली जो पार्ट होती है वो क्या होता है रूट। ओके इसे रूट सिस्टम भी कहा जाता है, रूट सिस्टम। ओके एंड इसकी जो अबव पार्ट है ये दिस वन, इट इज व्हाट शूट, इसे क्या बोला जाता है शूट। ये बीच में आपका क्या है सॉइल। ओके नाउ सी हियर वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, सॉइल है, सॉइल के जो बिलो में जो ग्रो होता है पार्ट्स प्लांट का ये रूट होता है, ठीक है। एंड सॉइल की जो अबव में जो प्लांट्स जो उसकी पार्ट्स होती है प्लांट का वो शूट होता है, ठीक है। नाउ सी व्हाट इज द पार्ट्स, नाउ दिस वन इज व्हाट इट इज, व्हाट इट इज फ्लावर, ठीक है, इट इज बर्ड, इट इज व्हाट इट इज लीफ, ओके एंड इट इज व्हाट फ्रूट, दिस इज व्हाट स्टैम। ओके स्टूडेंट इट इज स्टैम एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, इस टाइप से जब जाते हैं फिर ऐसे करके ये प्लांट जो है वो ग्रो होते जाएगा और यहाँ पे जो डिवाइड होता है स्टैम दिस वन इट इज व्हाट ब्रांच, ब्रांचेस। ओके इसे ब्रांच बोला जाता है और ब्रांचेस भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बट मेन थिंग की मेन थिंग्स जो होता है वो होता है फ्लावर बर्ड लीफ फ्रूट्स एंड स्टेम। ये फाइव पार्ट्स हैं जो आपको आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट सो गॉट इट, सो व्हाट वन मोर थिंग इज व्हाट कि आपको ये जो डायग्राम पेज नंबर 64 पे दिया हुआ है, पेज 64, ओके पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, सो यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, दिस डायग्राम, ओके पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। ये जो डायग्राम है आपको आपकी मैथ्स सॉरी साइंस की बुक में नोटबुक में आपको करनी है। ओके चैप्टर 7 की पार्ट्स ऑफ प्लांट की जो डायग्राम है दैट यू हैव टू डू इन योर साइंस नोटबुक। ओके स्टूडेंट इट इज योर टुडेज होमवर्क। नाउ लेट्स सी अबाउट द रूट, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड स्टूडेंट अबाउट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ओके नाउ ऑन पेज 64 सी रूट। ना रूट यूजुअली ग्रोज डीप बिलो द ग्राउंड, ठीक है, रूट जो है वो डीप बिलो द ग्राउंड ये ग्रो होता है एंड इट फिक्सेस द प्लांट विद इन द सॉइल एंड एब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल यहाँ पे सारे नीचे में क्या है सॉइल है, ये रूट जो क्या करता है इसकी फंक्शन क्या है ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को मिनरल्स को एंड न्यूट्रिएंट को फ्रॉम द सॉइल और ये सारे चीजें इनको प्लांट्स को प्रोवाइड करता है कौन रूट। ओके स्टूडेंट नाउ रूट आर ऑफ टू टाइप्स टैप रूट एंड फाइबरस रूट। रूट जो होती है वो टू टाइप की होती है। ओके रूट इज ऑफ टू टाइप, वन इज रूट, वन इज टैप रूट एंड अदर इज फाइबरस रूट। ओके एक जो रूट होता है वो टैप रूट होता है और दूसरा फाइबरस रूट होता है। नाउ सी द टैप रूट, नाउ इट कंसिस्ट ऑफ वन मेन लॉन्ग थिक रूट ग्रोइंग डाउनवर्ड फ्रॉम विच मैनी थीनर रूट्स डेवलप। प्लांट्स लाइक टर्निप रेडिश कैरेट बीन सिटी मस्टर्ड एंड पी हैव टैप रूट्स। ओके सी हियर ये सब टैप रूट्स हैं, टर्निप रेडिश एंड पी ये सब क्या है टैप रूट है। नाउ फाइबरस रूट, फाइबरस रूट्स हैव नो मेन रूट, अ नंबर ऑफ रूट्स अराइज एट द एंड ऑफ द स्टेम एंड ग्रो डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ओके नाउ दिस रूट ब्रांच रिपीडली टू फॉर्म अ मास ऑफ फाइन रूट्स प्लांट्स लाइक लिली ग्रास वीट राइस एंड अनियन।
हैव फाइबरस रूट। ओके स्टूडेंट, तो ये दोनों आपको करनी है लर्न। नाउ फंक्शन ऑफ द रूट, रूट फिक्स द प्लांट बॉडी टू द ग्राउंड। जो रूट होता है वो फिक्स कर देता है प्लांट को, ठीक है। नाउ रूट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट। ये रूट अगर रहेगा यहाँ पे तो ये सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट इसे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ दे हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फॉर्मली इन द ग्राउंड, और ये होल्ड भी करता है, ओके। नाउ रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड पास इट टू द स्टेम। वो एब्जॉर्ब भी करते हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नाउ सम रूट्स लाइक कैरेट, बीट रूट, रेडिस एंड टर्निप स्टोर फूड। दे कैन बी ईटन रॉ बाय अस। जो टर्निप होते हैं, कैरेट होते हैं, ये सब जो रूट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, रूट होते हैं, और इसे हम रॉ भी खाते हैं, यानी कि कच्चा भी उसे हम खाते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द शूट, ये दिस वन इज शूट, ओके, अबाउट द शूट। नाउ शूट सिस्टम में क्या क्या आता है, स्टेम, ओके, फ्रूट्स, लीव, बर्ड, फ्लावर। दिस फाइव पार्ट आर ऑफ द शूट सिस्टम। नाउ द पार्ट ऑफ प्लांट अबव द सॉइल इज नोन एज शूट। अबव द सॉइल, ये सॉइल के जो अबव होती है ये शूट है, ओके, दिस यू ऑल नो इट इज द शूट, ओके स्टूडेंट, इट इज द शूट। नाउ द शूट ऑफ द प्लांट बियर द स्टेम, इट्स ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट अबाउट द स्टेम, द स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट दैट सपोर्ट द प्लांट। इट कैरीज water and minerals to the leaves. There are different types of stem. Some plants like banana have soft and thick stem. जो banana की जो stem होती है वो बहुत thick and soft होता है, okay. Some plant like money plant have very weak, soft and thin stem, okay. Money plant की भी stem जो होती है वो बहुत soft, thin होता है. Some plants like mango, बैनियन एंड नीम हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टैम। आप पिक्चर्स देख सकते हो इन ऑन पेज 66। ये बैनियन है, पीपल है, ये दो पिक्चर्स कैन यू सी, ठीक है। ये सबकी जो स्टैम होती है वो बहुत हार्ड एंड थिक होता है एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ओके स्टूडेंट। नाउ सच अ स्टैम इज कॉल्ड अ ट्रंक। इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, और इसे ट्रंक भी कहते हैं, जो बहुत ही मोटा ये जो स्टैम है, ठीक है, किसी जो पीपल और बैनियन ट्री में जो होता है वो जो स्टैम बहुत थिक एंड स्ट्रॉन्ग होता है एंड उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रंक, ओके स्टूडेंट, उसे ट्रंक बोलते हैं। नाउ इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट, ओके, इट हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड अपराइट। नाउ सी इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो और जिंजर द स्टैम ग्रोज बिलो द सॉइल एंड स्टोर्स फूड। पोटैटो हो गया, जिंजर्स हो गए। Now function of the stem support the upper parts of the plant and keeps it upright. वो support करता है plant को upright, ऊपर, ठीक है। Now it carries water and minerals from the roots to the other parts of the plant. It transport food made in the leaves to other parts. Some stems like sugarcane, potato, ginger store food. These stems can be eaten by us, ठीक है। कुछ स्टैम जो होती है, ये वाली जो स्टैम है, कुछ स्टैम जो जिंजर, पोटैटो, सुगर कैन, ये सब स्टैम ही है जो हम लोग उसे खाते हैं, वी कैन ईट दैट स्टैम्स, ओके स्टूडेंट। नाउ अबाउट द लीव, फ्लावर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सूट आई विल डिस्कस टूमोरो, ओके स्टूडेंट, बिकॉज एंड वंस यू हैव टू रीड द चैप्टर बाई योर ओन। And also today's homework is what to complete the parts of the plant in your notebook. Okay, draw the parts of the plant in your notebook. Read chapter 7 homework. Read chapter 7 and draw parts of a plant, okay, draw parts of a plant in your notebook, ठीक है। ये वाली जो parts of plant जो मैंने बताया है, ये book copy में भी आपकी दी हुई है, book में भी दी हुई है, page number 64 पे आपको इसको खुद से करना है, ठीक है student, see your homework।
ओके नाउ यू हैव इट इन योर होमवर्क रीड चैप्टर 7 एंड ड्रॉ अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट इन योर नोटबुक सो दिस यू हैव टू डू एंड वंस अगेन यू रीड द चैप्टर रिवाइज द चैप्टर अगेन एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू रिवाइज द प्रीवियस चैप्टर एंड टूडेज डेट ऑल्सो मेंशन द टूडेज डेट एज आई हैव रिटन ओके 12 October 2020 एंड मंडे इट इज द मंडे Please like and subscribe the channel so that you can get all the notification of maths and science class in your YouTube और आपको जो भी notification होती है वो आपके पास आ जाएंगी if you will subscribe my channel then only okay so keep learning be safe be healthy and bye